नमस्कार, रोज सुबह समाचार पत्रों की खबरों से अपडेट करने वाले कार्यक्रम समाचार सार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 9 मार्च है, कल होली पर्व के कारण आज लगभग सभी समाचार पत्रों का अवकाश है, अतः आज के समाचार पत्रों के स्थान पर समाचार वेबसाइट से जानकारी लाए हैं। राहुल गांधी के लगातार कटाक्ष को लेकर एक ओर जहां बीजेपी ने कड़ा रुख व्यक्त करते हुए अपना पक्ष रखा है, तो वही कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की प्रतिक्रिया। वही राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के अमृतसर यात्रा की जानकारी। नागालैंड में शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सरकार के समर्थन देने से राज्य में बनेगी विपक्ष रहित सरकार। दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस एमएलसी कविता की होगी पेशी। साथ ही आम आदमी पार्टी द्वारा सिसोदिया पर व्यक्त की गई चिंता। पेयजल गुणवत्ता में सुधार पर आधारित सरकारी आंकड़े। डिजिटल बढ़ता लेन देन पर अब होगी सरकार की पैनी नजर। प्याज की गिरती कीमतों के बीच सरकार की पहल। अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का निधन। ये तमाम ऐसी खबरें हैं जो आज के दिन के संदर्भ में समाचार अपडेट है। हमारे इस प्रस्तुति के संदर्भ में यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से हमारा मनोबल बढ़ाएगी। आपका दिन शुभ हो।